मैं अप्रॉक्स 3 साल से कैमरा यूज कर रहा हूँ, फिर भी मोबाइल ज्यादा अच्छा लगता है वीडियोस या फोटो शूट करने के लिए। और इस वीडियो में हम फोटो और वीडियो दोनों की बात करें। इस वीडियो को मैं 4 पॉइंटों पर क्लियर करना चाहूंगा जो आप भी एग्री करेंगे और आपको भी इजिली समझ आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ मोबाइल ज्यादा बेस्ट है इस काम के लिए। फर्स्ट पॉइंट है इजी टू यूज। अब इजी टू यूज कैसे है मैं बताता हूँ। DSLR के साथ आपको ISO, शटर स्पीड, अपर्चर, वाइड बैलेंस, ऑटो फोकस, फोकस पॉइंट और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप पता होनी चाहिए जब जाके आप एक अच्छी फोटोज निकाल पाते हो। वहीं पे एक स्मार्टफोन आपके लिए ये सब चीजें इजी बना देता है, बस आप स्क्रीन पे टैप करो और फोटो खींच गए। आपको कोई शटर स्पीड, ISO या किसी और चीज में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट के साथ ही मैं आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहूंगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग जब मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर मैं 1.5 लाख रुपए का फोन बाय करता हूँ, आईफोन जिसे आप जानते ही होंगे, 1.5 लाख का फोन बाय करता हूँ, तो इससे अच्छा मैं 1.5 लाख का कैमरा बाय क्यों ना करूं और उससे शूट करूं जो मुझे अच्छी खासी हाई क्वालिटी वीडियो प्रोवाइड करे किसी भी स्मार्टफोन के मुकाबले। और ये बात रियल है, आप कितना ही महंगा फोन क्यों ना ले लें बट आप एक कैमरे के कंपैरिजन में इतनी अच्छी वीडियो शूट नहीं कर सकते जितना आपको एक DSLR या कोई भी कैमरा प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे मैं छोटे कैमरों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्रॉपर DSLR या मिररलेस की बात कर रहा हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं उनकी बात से डिसएग्री भी करता हूँ। इसका मैं रीजन दूंगा बट लास्ट में, बिकॉज मेरा लास्ट पॉइंट इस चीज का जवाब बिल्कुल क्लियर दे देगा। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो है बाय। आपको 20 से 25 हज़ार में एक फोन मिल जाता है जो आप कहीं भी ले जा सकते हो, अच्छी खासी वीडियोस बना सकते हो। वहीं पे आपको 20 से 25 हज़ार में एक मिड रेंज का DSLR मिलता है जिससे आप फोटोज तो बहुत अच्छी खींच सकते हो बट वीडियोस उतनी अच्छी नहीं बना सकते। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है मल्टीपल यूज। अब मल्टीपल यूज कैसे, देखिए आप अपने DSLR से क्या कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो, वीडियोज बना सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। बट वहीं पे आप अपने स्मार्टफोन से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप उसमें गेमिंग कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, वीडियो बना सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो और इंटरनेट एक्सेस आपके पास है, तो बहुत सारी चीज़ें आप उस फोन से कर सकते हो। बट आप DSLR में इन्वेस्ट करके बस खाली क्या कर सकते हो, आप फोटोज खींच सकते हो और वीडियोज बना सकते हो। अब लास्ट पॉइंट है चीप इन्वेस्टमेंट। अब चीप इन्वेस्टमेंट कैसे, ये मैं बताता हूँ। और पहले पॉइंट में जो उन यूट्यूबर का क्वेश्चन था उसे मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ। सपोज कीजिए आपने 1.5 लाख का फोन लिया और 1.5 लाख का कैमरा लिया, तो कैमरे में आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, जाहिर बात है। बट उस अच्छे रिजल्ट को निकालने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है कैमरे में। वो कैसे, अगर आपको कैमरे से पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करनी है तो उसके लिए आपको चाहिए प्राइम लेंस। कैनन में ले लेते हैं, कैनन में 50mm सबसे सस्ता लेंस है और फुल फ्रेम के लिए बना हुआ है, तो इजीली आप फुल फ्रेम में उसे एक्सेस कर सकते। 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आपने 1.5 लाख का कैमरा लिया, 10,000 का लेंस लिया, आपने पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक कर ली, मुझे बोके इफेक्ट मिल गया, मुझे भी बहुत अच्छी अच्छी फोटोज मिल गई। अब मुझे वीडियोज बनानी है ब्लर के साथ, अब वो कैसे बनाई जाए, अब उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक अच्छा लेंस चाहिए, बिकॉज 50mm के साथ आप अच्छी खासी वीडियोज नहीं बना सकते, उसमें वाइब्रेशन डिटेक्शन नहीं होता है और ऑटो फोकस ना उसका अच्छा भी नहीं है। और उसके साथ ही आपको एक गिम्बल भी चाहिए होगा जो आपकी वीडियो को स्टेबलाइज कर सके। मान लीजिए आपने 30,000 रुपए का लेंस भी ले लिया, उसके लिए 40 से 50,000 रुपए का गिम्बल ले लिया, तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी 2 लाख से ऊपर करेगी। और वहीं पे आपको 1.5 लाख के फोन में वीडियो स्टेबलाइजेशन फोन में मिल जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए हम स्पोर्ट्स में कर रहे हैं, हम दौड़ते हैं, वीडियोज बना रहे हैं, ठीक है, हम गिम्बल बाय कर लेते हैं। मैक्सिमम कितने का गिम्बल होगा, मोबाइल का, मोबाइल गिम्बल 20,000 से ऊपर नहीं जाएगा। तो मान लीजिए आपने 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करी, 20,000 और ऐड कर लिए, आपके फोन में इन्वेस्टमेंट हो गए 1,70,000 रुपए की और आपके कैमरे की इन्वेस्टमेंट 2 लाख से ऊपर जा चुकी है। मान लीजिए आप मॉन्यूमेंट घूमने गए और आपको उस मॉन्यूमेंट की फोटो खींचनी है या वीडियो बनानी है, चलिए मोस्टली मॉन्यूमेंट बहुत ज्यादा वाइड है और आपको चाहिए उसके लिए वाइड एंगल लेंस, और आपके पास वाइड एंगल लेंस है नहीं तो आप वाइड एंगल बाय करना पड़ेगा, और हर कंपनी का वाइड एंगल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, वो मिनिमम आप मान लीजिए 20 से 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट और है। और वहीं पे मोबाइल में वाइड एंगल आपको पहले से मिलता है जो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देता है। और मान भी लीजिए आपका वाइड इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, आपको और ज़्यादा वाइड चाहिए, आप लेंसेज लगा लीजिए मोबाइल के जो आपको 3 से 4 के, चलो 5 मान लीजिए, 5,000 का मिल जाएगा, देन आपकी इन्वेस्टमेंट मोबाइल की इन्वेस्टमेंट हो गई 1,75,000 और आपकी कैमरे की आपकी 2.5 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गई है। अब मुझे एक ट्रिप पे जाना है और मैं वहाँ जाके बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, पर मैं इतना सारा सामान कैसे कैरी करूँ, बिकॉज मैं कैमरा ले जा रहा हूँ तो मुझे लेंसेज ले जाने पड़ेंगे, लेंसेज फिर उसके साथ वीडियोज बनाने के गिम्बल चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं कैमरे के साथ। बट स्मार्टफोन जरा सा गिम्बल उसका इतना सा, अगर मैं उसके लेंसेज भी ले जाता हूँ कितने बड़े, इतने से पाउच में उसके लेंसेज आ जाते हैं, तो ओवरऑल मेरे इसका वेट एक किलो भी नहीं होगा। वहीं पे कैमरे का, तो कैमरा और कैमरे के सारा सामान का वेट 5 किलो से ऊपर पहुंच जाएगा। दैट्स वाई मोबाइल इज बेटर देन DSLR। बट कहीं ना कहीं इस बात के लिए मैं डिसएग्री नहीं कर सकता कि अगर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो आपको एक DSLR में इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
बिकॉज DSLR का सेंसर बहुत ज्यादा बड़ा होता है किसी भी मोबाइल के मुकाबले, जो अच्छी खासी इमेज क्वालिटी को कैप्चर कर सकता है जहाँ पे मोबाइल वो काम नहीं कर सकता। प्लीज अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है DSLR बेटर है मोबाइल फोन से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।